बड़े परेशान नजर आ रहे हो। क्या बताऊं गुप्ता जी, बेटी की शादी है। रमेश से घर के कागज के बदले कुछ पैसा मांगा था तो बोला मेरा 10% चार्ज होता है, अब मैं इतना मोटा ब्याज कैसे चुकाऊंगा, इसीलिए मैंने मना कर दिया। गुप्ता जी उसकी बातें छोड़ो, वो हमेशा गरीबों को लूटता रहता है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मुझसे ले लेना, मैं तुमसे परसेंटेज भी ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 5% लूंगा। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं दे दूंगा। ये कुछ ठीक है, मैं घर के कागज लेकर आता हूँ। ठीक है। क्या हो रश्मि, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस पूरा सपना देख रही हूँ। सपना? चलो सो जाओ, सो जाओ। बाय मामा। बाय बेटा। बाय रश्मि। मैं तो तंग आ गई सुबह से शाम तक इस घर में काम काम काम। रश्मि ये कर दे, रश्मि वो कर दे, जीना हराम करके रखा है। एक तो मेरे पापा को इन लोगों ने कर्जदार बना के रख दिया है, ऊपर सब मेरी जान लेने में लगे हुए हैं। बहू तुमने कुछ कहा मुझसे? नहीं माँ जी, कुछ नहीं कहा। रश्मि एक गिलास पानी देना। उस फ्रिज से मांग लो। बहू ये कपड़े उठा के ले जा बेटा। उस वॉशिंग मशीन से उठवा लो ना। राम बेटा। जी मम्मी। आजकल मुझे रश्मि का कुछ व्यवहार नहीं ठीक लग रहा है। आप दोनों में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? नहीं मम्मी सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं शाम को आके रश्मि से बात कर लूंगा। ठीक है मम्मी, निकलता हूँ। अरे हेलो, कैसे भाई? बस बढ़िया, बैठ। थैंक यू। और बता भाभी कैसी है? भाभी ठीक है यार, बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ऐसी कौन सी बात है जो तेरी समझ में नहीं आ रही है? अगर बात तेरे जैसे इंटेलिजेंट बंदे की समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लगता है। यार जब से रश्मि घर आई है तब से उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया है, हर बात पे उसका उल्टा जवाब होता है। कोई भी काम बोलता हूँ बोलती है टीवी से काम करा लो, फ्रिज से काम करा लो, फर्नीचर से काम करा लो। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहती हूँ? तू ना उसे जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, कभी कभी माइंड पर लोड लेने से या टेंशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, कल मेरा वीकली ऑफ है, मैं कल ही किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। बिल्कुल, चलो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ओके ब्रो, चलो ओके, सी यू। सी यू। ये सब सामान खरीदने में आपने अपनी जिंदगी भर का कमाया हुआ सारा पैसा और कर्ज लेकर मुझे खुशी देने में लगा दिया। बाबा बाबा जब ये सब चीजें यू ही टूट ही जाती है तो फिर मेरी खुशी के लिए आपको इतना कर्ज नहीं लेना था। इस कर्ज के कारण आप कितने दुखी हैं। बाबा दुनिया की कोई भी बेटी नहीं चाहे कि वो खुश रहे और उसके माँ बाप दुखी हो। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए थी बाबा। अरे आप आ गए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ।
हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। नहीं तो मैं तुम्हारे ससुराल भी आ सकता हूँ। यार कल इवनिंग में मैंने रश्मि को फोन पे बात करते हुए सुना और व्हाट्सएप चैट भी देखी। उसके बाबा ने शादी पे दहेज दिया ना, उसके लिए गुप्ता से कर्ज लिया हुआ है। ओ, तो दहेज का मैटर है। तुम्हारी फैमिली ने दहेज मांग कर लिया था क्या? अरे नहीं यार, हमने दहेज में कुछ भी नहीं मांगा। जो भी उन्होंने दिया अपनी खुशी से दिया। एक गरीब पिता अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन देकर अच्छी परवरिश करके तुम जैसे लोगों के हवाले छोड़ देता है और खुद दहेज के कर्ज में डूब जाता है। एक आदमी जो कर्ज लेकर अपनी बेटी को दहेज देता है, उसकी बेटी के दिल में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए किस तरह के विचार आते हैं, कभी सोचा है तुमने? इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने उनसे कुछ नहीं मांगा था। कोई भी इंसान अपनी खुशी से कर्ज नहीं लेता है, उसकी मजबूरी ही उसे मजबूर कर देती है कर्ज लेने के लिए। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तुम्हें मर्द समझता था, तुमने नामर्द जैसी हरकत की है। अबे क्या बोल रहा है तू, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। दोस्तों तेरा इसलिए बता रहा हूँ, ये सब नहीं लेना चाहिए था। जो मर्द होते हैं ना, वो अपने पल पर सब कुछ खरीदते हैं। सोच, कल तू भी बाप बनेगा, तेरी भी बेटी होगी, तू कर्ज में डूबा होगा तो तेरी बेटी क्या सोचेगी? एक पल के लिए सोच, जो कर्ज में डूबे होते हैं ना, उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम तो खुद दहेज लेकर खुश हो जाते हैं और दूसरों को स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ देते हैं। क्या ये सही है? यार क्या बके जा रहा तू, मुझे ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर पर टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, मैं किसी और से क्यों मांगता? अगर तुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी तो फिर लिया क्यों? मना भी तो कर सकता था। ठीक है, ये सामान मुझे दिया ना, जो कर्ज मेरे लिए लिया है उसे मैं ही अदा करूंगा। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा यार। तुझे तो पता है यार, मैंने अपना पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, अभी कुछ लोगों का उधार भी देना बाकी है। तू रुक, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक हेल्प चाहिए थी। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, एक बार कोशिश तो कीजिए। ठीक है, क्या हुआ? नहीं हुआ यार, तू टेंशन मत ले, मेरे पास और भी कुछ लोग हैं, एक बार उनसे मिल लेते हैं, क्या पता हमारा काम वहां पर हो जाए। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नेताजी। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? नेताजी एक मजबूरी आ गई है, कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप हेल्प कर देते तो बहुत अच्छा होता। हाथ बहुत टाइट है बच्चे, अगर होता तो जरूर दे देता बेटा। नेताजी प्लीज एक बार कोशिश कीजिए, मेरा दोस्त बहुत परेशानी में। जरूर करता, लेकिन माफी चाहता हूँ। ठीक है नेताजी, चलते। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, मैं नहीं दे सकती। ठीक है, चले चलते हैं। नमस्ते। रात के 2 बज रहे हैं और आपकी आंखों में नींद भी है और आप लैपटॉप पे काम किए जा रहे हो, लैपटॉप बंद करो, सो जाओ। नहीं यार, अर्जेंट बात है, कुछ अधूरा काम बाकी है, उसे करना बहुत जरूरी है, तुम सो जाओ। सो जाइए, बस थोड़ा सा काम बाकी है, अब सो जाइए।
नमस्ते गुप्ता जी। जी मैं राम बोल रहा हूँ जी। वो श्याम जी का हिसाब बना लिया आपने जी? मुझे आप अकाउंट नंबर सेंड करिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा जी। रश्मि जी, ये कुछ पैसे बच गए, रख लो, अगर इन पैसों की जरूरत पड़े तो ले लेना। चलो निकलता हूं मैं। राम ही वो देवता है, इन्होंने ही गुप्ता को पैसे दिए हैं। क्या बताऊं गुप्ता जी, बेटी की शादी है, रमेश से घर के कागज के बदले कुछ पैसा मांगा था तो बोला मेरा 10% चार्ज होता है, अब मैं इतना मोटा ब्याज कैसे चुकाऊंगा, इसीलिए मैंने मना कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए राम जी, मैंने नादानी में आपको बहुत दुख पहुंचाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं रश्मि, तुम गलत नहीं हो, ये हमारे समाज में एक चलन चल रहा है कि अगर हम अपनी बेटी को ज्यादा दहेज देंगे तो ससुराल में उसका रुतबा बुलंद रहेगा, हमारी बेटी सब पे हावी रहेगी, इसलिए हम ज्यादा दहेज देते हैं और खुद कर्ज में डूब जाते हैं। पर क्या हमें पता है हमारी बेटी वहां खुश रह पाएगी या नहीं? कोई गारंटी है? तुम ही बताओ। नहीं ना, तो ये सब गलत है। जिसके पास जितना है उतने में खुश रहना सीखो। झूठ के बलबूते पे जो रिश्ते बनते हैं ना, वो कभी भी सफल नहीं होते। रिश्ते सिर्फ प्यार और एतबार की डोरी से बनते हैं, ना कि झूठ के शानो शोके दिखाने से। और ये जो लालची लोग दहेज मांगते हैं या दहेज देते हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, प्यार बांटो, धन की नफरत नहीं, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। किसी ने क्या खूब लिखा है, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ है जाना, ये साजो सामान सब एक भ्रम है, सब कुछ यहीं है रह जाना, सब कुछ यहीं है रह जाना।